Hello student, I hope you all are doing very well. Welcome back to my YouTube channel English with Hariup Sir. Okay, ये जो आपकी one word substitution की जो series चल रही है इसमें आपका ये 12 parts है. आइए कुछ discuss करते हैं, देखते हैं ये words क्या कहते हैं, इनको अपना बनाते हैं. ठीक, पहला word है to turn friends in enemies. जो मित्रता को दुश्मनी में बदल दे उस वर्ड को हम क्या कहते हैं. एलिमिनेट, ए एल आई एल ई, इनेट, ई एन ए टी ई, एलिमिनेट. एलिमिनेट का मतलब है मित्र को शत्रु बनाना, मित्र को शत्रु बनाना. डियर स्टूडेंट क्या हुआ, एलिनेट. कैसे, एली इनेट, ऐसे लिखो, एलिनेट ऐसे याद करेंगे. ठीक, पेमेंट ऑफ मनी अलाउड टू अ वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड. जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड से लीगली सेपरेट होती हैं तो उस पर एक धन दिया जाता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं. एवरीबडी नोज आई होप, ए एल आई एल ई मनी, एम ओ एन, ए एल आई एम ओ एन वाई, एल ई मनी. ये होता है, इसको कह सकते हैं हिंदी में जीविका. क्या कहते हैं, जीविका. ओके, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड बिगनिंग विद द सेम लेटर. वर्ड शुरू हो और सेम लेटर रिपीट हो, इसको ये कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता है. इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है, कोई लाइन लिखियो उसका पहला लेटर हर वर्ड में लगभग एक जैसा हो तो उसका फिगर ऑफ स्पीच का नेम है एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन. E डबल एल आई, ए डबल एल आई टी ई आर ए टी एन टी आई एन. एलिटरेशन की हिंदी होती है, हिंदी होता है अनुप्रास अलंकार. अनुप्रास अलंकार जैसे कहें हाउ हाई हॉट ही, ऐसे करके लिखते जाएं तो जिसमें एच आगे आ रहा है ये वर्ड जो रिपीटेशन है अल्फाबेट का, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश लिटरेचर एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार. ओके, अ लवर ऑफ अदर्स, जो दूसरों को प्रेम करता है, परोपकारी, इसको कहते हैं ए एल ऑल्ट्रस्ट, टी आर यू एस टी. ऑल्ट्रस्ट क्या होता है, ऑल्ट्रस्ट होता है ट्रस्ट. ऑल्ट्रस्ट ऑल्ट्रस्ट टी आर Altruist, T-R-U-I-S-T, Altruist, Altruist, परोपकारी, परोपकारी, क्या होता है ये, परोपकारी होता है. A lover of others, a person who is able to use his both hands with equal skill, कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों से equal work कर ले, जैसे especially writing का, दोनों हाथों से एक साथ लिख पाए उसे कहते हैं एमबी. एमबी जहां एमबी वर्ड आता है वहां पर ज्यादातर बोथ की इंग्लिश निकलेगी, बोथ का सेंस आएगा माय डियर स्टूडेंट. ओके, एमबी, एमबी लग गया, दोनों हाथ हो गए. ठीक, एमबी और एक मीनिंग होता है डेक्स्टरस. डेक्स्टरस, डेक्स्टरस का मतलब स्किलफुल, जो अपने दोनों हाथों को चलाने में स्किलफुल हो उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस. क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं. दोनों हाथों को चलाने की कुशलता, दोनों हाथों से कुशलता पूर्वक कार्य करना एम्बीडेक्स्ट्रस होता है. हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, लंबी हो जाएगी. अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना, उसका अर्थ बताना, ये कहते हैं इंटरप्रिटेशन.
किसी वाक्य के या किसी स्टेटमेंट के एक से अधिक अर्थ हो डियर स्टूडेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये भी वर्ड आपको आना चाहिए, एम्बिगस, A M B I G, U O U S, एमबी वर्ड आ गया। क्या वर्ड आया? एमबी। यहां भी क्या था? एमबी। ये दो हाथों के लिए, ये दो अर्थ, एक ही लाइन के दो अर्थ, एम्बिगस। एम्बिगस मतलब एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ हो उसको कहते हैं एम्बिगस। जैसे गुजर जाना, वो गुजर गया, गुजर गया मतलब वहां से निकल गया, यों करके निकल गया, हॉरिजेंटल आपसे गुजर गया, कहते हैं वो गुजर गया मतलब हमारे बीच नहीं रहा। तो गुजर गया के दो अर्थ हुए, गुजर गया टू मीनिंग रख पा रहा है, एक गुजर जाना निकल जाना, एक मर जाना, ठीक है। एम्बिगस दोहे अर्थी, हाँ इसको कहेंगे दोहे अर्थी। क्या कहेंगे? दोहे अर्थी, जिसके दो अर्थ हों, ठीक। हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स, हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स को हम क्या कहेंगे? एम्बीवेलेंट, VALENT, एम्बी का मतलब दो, यानी ऐसा व्यक्ति जो न पक्ष में है न विपक्ष में है, पता ही नहीं चलता है कब पक्ष में हो जाता है कब विपक्ष में हो जाता है, दोनों तरफ रहता है, एम्बीवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एम्बीवेलेंट कहा जाता है, यानी ये पक्ष में भी है, ये पक्ष में भी है और ये विपक्ष में भी है, दैट मीन्स इज कॉल्ड एम्बीवेलेंट। अ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस फॉर द सिक और वाउंडेड, ऐसा साधन जो बीमार लोगों को या घायल लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? शायद अगर कोई जानता, फिफ्थ क्लास का मीनिंग है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस होता है, क्या होता है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हम क्या कहेंगे? हिंदी में कहना चाहें तो कह सकते हैं रोगी वाहन। क्या कह सकते हैं? रोगी वाहन। आर्टिकल्स यूज्ड इन चार्जिंग फायरआर्म्स, फायरआर्म्स का मतलब होता है हथियार, जिनसे युद्ध लड़े जाते हैं उसको कहते हैं, ये बहुत ही अपना डिफेंस का वर्ड है, एम्यूनिशन होता है, एम्यूनिशन, NITION, AMMUNITION, इसको एम्यूनिशन कहते हैं, एम्यूनिशन युद्ध, युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री होता है, एम्यूनिशन ऐसे याद करो, एम्यूनिशन, MUNITION, स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है वाली, एम्यूनिशन, एम्यूनिशन, एम्यूनिशन। लॉस ऑफ मेमोरी, आपकी स्मृति कम हो जाए, सोचने की क्षमता कम हो जाए, उसे कहते हैं स्मृतिहीनता। क्या कहते हैं? स्मृतिहीनता, एमनेशिया। क्या बोलते हैं? एमनेशिया, एमनेशिया, SIA, AMNESIA, स्मृति, स्मृतिहीनता, स्मृतिहीनता कहते हैं इसको, स्मृतिहीनता, एमनेशिया। क्या होता है? एमनेशिया होता है, स्मृतिहीनता होता है। डियर स्टूडेंट, एक बार हम रिवीजन लेते हैं। टू टर्न फ्रेंड्स एंड एनिमीज, एलिनेट, एलिनेट मित्र को शत्रु बनाना। पेमेंट ऑफ मनी अलाउड टू योर वाइफ फ्रॉम लीगल सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड, एलिमनी, ALIMONY, जीविका। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड बिगनिंग विद द सेम लेटर, सेम लेटर से कोई वर्ड शुरू हो, एलिटरेशन, अनुप्रास, अनुप्रास, और जोड़ सकते हैं क्या? अलंकार, अनुप्रास, अलंकार। अ लवर ऑफ अदर्स ऑल्ट्रिस्ट,
ALTRUIST, altruist. A person who is able to use his both hands with equal skill, ambidextrous. Ambidextrous, dextrous means होता है expert. Dextrous का मतलब होता है expert का synonym से, और ambi लग रहा मतलब दो, जो दोनों हाथों को चलाने में expert हो, is called ambidextrous. Okay, a statement open to more than one interpretation. Ambiguous, एक से अधिक का द्वयर्थी, having opposing feelings, ambivalent, पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, a convenience for the sick or wounded, ambulance, articles used in charging firearms, ammunition, and loss of memory, amnesia, स्मृतिहीनता. I hope सभी स्टूडेंट्स ने इसको एंजॉय किया होगा, आनंद आया होगा. आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें और रिपीट करें. डेफिनेटली डेफिनेटली वन डे ऑल दीज वर्ड्स विल बी योर्स माय चैंपियंस, ऑल दीज वर्ड्स विल बी योर्स. ठीक, आज हमारे जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन सून एज पॉसिबल अबाउट नेक्स्ट वीडियो रिलीज बाय द चैनल इंग्लिश विद हरिओम सर. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. बाय.